न्यूरोटिक डिप्रेशन के बारे में आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। एक केस स्टडी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये लड़की है, उम्र करीब करीब 25 साल और इनके सिम्टम देखो बहुत ही अजीबोगरीब सिम्टम्स हैं। और कैसे ठीक हुई मैं आपको बताता हूँ। इनको नज़र में आते थे क्लाउड्स, बादल नज़र में आ रहे आँखों के सामने, फिर धुंधला सा दिखता है, ब्लर दिखता रहता है बीच बीच में, घबराहट हो जाना और लगता है कि बहुत कंफ्यूज हूँ, ऐसा बहुत कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आता अपन क्या कर रहे हैं, मैं कहाँ हूँ, मेरा जीने का क्या मकसद है, मैं जिंदा हूँ या मुर्दा हूँ, मैं क्या करती हूँ, मतलब ऐसा लगता है कि मेरे जीने में कोई मतलब ही नहीं है, मैंने मरना ही है। फिर उसको ऐसा लगता है कि नींद ही नहीं आती अब, हालांकि वो सोती थी मगर सुबह उठने के बाद लगता है कि नींद आई नहीं बिल्कुल। फिर बहुत ही अजीब अजीब लगता है और घर में रही तो बहुत घबराहट होती है, बाहर गई तो घबराहट होती है, सिर दुखता है। और उसको ऐसा चालू है करीब करीब 2 महीने से। 1 साल पहले शादी किया मगर उस समय भी ऐसा उसका बर्ताव ठीक नहीं था, थोड़ा सा अबनॉर्मल टाइप था, वहाँ कुछ पटा नहीं। और फिर वहाँ तलाक के लिए उन्होंने अर्जी कर लिया हस्बैंड ने कि भाई ये ठीक नहीं है, पर घर वालों को उस समय कुछ ऐसा लगा नहीं कि कुछ प्रॉब्लम है, मगर उस समय भी कुछ तो भी प्रॉब्लम होगा ही, जो उनको दिखा ससुराल वालों को, और उन्होंने बोला नहीं हमको नहीं होना भैया, पहले से कुछ तो भी गड़बड़ है। मगर घर वाले क्या होता है कि लड़की घर में रहती है, बहुत लाड़ प्यार में उसको बड़ा करते परवरिश करते हैं, तो उसमें उसको कुछ ऐसा समझ में लोगों को आता ही नहीं कि कोई उसको मेंटल प्रॉब्लम है। शादी के बाद में एकदम ज़्यादा स्ट्रेस स्ट्रेन आता है, डिमांड्स बढ़ती रहती है, पूरी पूरी वहाँ ब्रेकडाउन हो जाता है। तो उसका मतलब डिवोर्स के लिए केस डाल दिया है लोगों ने, और इसको अच्छा भी लगता नहीं है, वापस आ गई और कुछ कभी सेक्स में भी कभी उसको कुछ इंटरेस्ट रहा नहीं। भैया 2 महीने से बहुत ज़्यादा हो गया, बोले हाँ। फिर अभी लुकिंग बैक मुझे ऐसा लगता है कि भाई 1 साल से भी थोड़ा थोड़ा था, शायद उसके पहले भी था। तो ये डिस्थाइमिया जैसी डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है, एक न्यूरोटिक टाइप डिप्रेशन है कि जिसमें एंटी डिप्रेशन दे दिया तो पेशेंट ठीक हो जाता है। और उसके साथ साथ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी CBT, हिप्नोथेरेपी, विजुअलाइजेशन ये भी हम देते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है और एक व्यक्ति नया जीवन जी सकता है। लोग बोलते हैं कि भाई हमने 2 साल तो फालतू गंवा दिया, हमको मालूम ही नहीं था कि ऐसा कुछ इलाज है। अच्छी अच्छी दवाइयाँ भी उपलब्ध है, तो दवाइयाँ देखिए उसका जो इम्बैलेंस है वो ठीक हो जाता है, इम्बैलेंस, और इम्बैलेंस ठीक हो गया तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं, नॉर्मल हो जाता डिप्रेशन। तो ये लोगों को दवाइयाँ और विजुअलाइजेशन, हिप्नोथेरेपी, CBT देने से कंप्लीटली नॉर्मल हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।